वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी। वाहिगुरु, जदों भी खालसा जी असी तुहाडे नाल कोई भी हड्डबीती सांझी करदे हाँ, तो वह हड्डबीती साढ़े गुरु द्वारा, शहीद सिंघा द्वारा दर्शाई हुई करामात कीती हुई हुंदी है, तां कि लोग सानू दसदे ने ते असी ओ तुहाडे नाल सांझी करदे हाँ। ते जदों असी ओ तुहाडे नाल सांझी करदे हाँ ते असी चाहुंदे हाँ कि तुहाडा बहुत कि तुहाडा भी विश्वास अपने गुरु ते अपने परमात्मा ते वध होवे, कि तुसी जदों ओ कथा सुनो ना तुहानू भी लगे कि साढ़े भी जिहड़े परम पिता परमेश्वर साढ़े गुरु ने वो साढ़े ते किवें कृपा करते ने। ते खालसा जी, कईयां दा सुनन च ये आया है कि असी हमेशा बाणी पढ़ते हाँ, बाणी सुनते हाँ, पर फिर भी साढ़े कई कार्य इहो जिहे ने जो कि पूरे नहीं हो रहे, साढ़े कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, साढ़े उल्टे ही हो रहे ने। खालसा जी, जदों फिर इदा गल्लां सुनी दियां ने ना खालसा जी, तो कहिंदे हन कि लोग जिहड़े हन ना खुद ही दस दिंदे ने, तो खुद ये भी कह देंदे ने कि रब हुण की करिए असी, जद साडी रब सुनदा ही नहीं, कित्थे मन्नीए, किद्दां मन्नीए। वेखो, परमात्मा नूं मनाउणा तां बहुत ही सौखा है, सिर्फ निमाणे निताणे हो के परमात्मा दे अगे सीस झुका के जे तुसी बेनती करदे हो ना, तां परमात्मा तुहाडी बहुत छेती सुन लैंदे ने, क्योंकि गुरु नूं मनाउणा एक सिख दे हत्थ विच है। जदों असी गुरु नूं मनाउंदे हाँ ना, ते गुरु बहुत जल्दी मन जांदे ने, ओह अपने प्यारियां दी, ओह अपने प्यारियां नूं कदे भी दुख तकलीफ च नहीं रहना देना चाहते, वो हमेशा अपने प्यारियां दी दिलों होके सुनते हैं, दिलों होके मानते हैं। वो कदे भी नहीं चाहते कि साडा कोई सिख, साडा कोई प्यारा दुखी होवे। इस करके खालसा जी, जदों भी कोई औकड़ बन आवे ना, तो अपने गुरु नूं याद करया करो। धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी। सब दे बच्चियां नूं तंदुरुस्ती, भला, तरक्कियां बख्शन, सब दे कारज रास करन। खालसा जी कहिंदे कि एक भैन दे ना दो बेटे सी, बहुत ही प्यारे बाबा जी ने दो पुत्तर दित्ते। कहिंदे थोड़ी क भैन ना घर दे विच, मतलब थोड़ा जिहा, कहिंदे कि वह भैन नूं अपने दोनों ही पुत्तर बहुत ही प्यारे ते बहुत ही वधिया तंदुरुस्त बाबा जी ने दित्ते, क्योंकि जुड़वा होए सन। ते खालसा जी, वह भैन कहिंदे कि जदों मेरे गर्व विच मेरे बेटे सी, मैनू नहीं पता सी कि मेरे गर्व च धी है कि पुत है। कहिंदे मैं बाबा जी का नाम बहुत ध्यानदी सी, मैं धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का नाम बहुत जपदी सी, मैनू नाम जपण नाल इन्ना कु फायदा होया, इन्ना कु फायदा होया कि परमात्मा ने मैनू दो पुत्रां दी दात बख्शी। कहिंदे मैं बहुत खुश हुई कि रब ने मैनू दो पुत्रां दी दात बख्शी है, मैं बहुत खुश सी। साडे घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा खुशनुमा सी, क्योंकि इकट्ठे दो पुत्रां दी दात परमात्मा ने झोली पाई है। वेखो, ये बहुत वड्डी वधिया किस्मत हुंदी है कि पहली बार च ही दो पुत्रां दी दात झोली पई होवे, ते असी भी बहुत खुश होने। हाँ जी, साडे घर पुत्र दित्ते ने परमात्मा ने ना, आपां भी शुकराना करदे हाँ, शुकराने वजो गुरु नूं नमस्कार करदे हाँ कि वाहिगुरु शुकर है कि दो पुत्र दिते। वह भैन कहिंदे कि मेरे दो पुत्र होए, साढ़े घर का माहौल बहुत वधिया सी, सस सहुरा बहुत खुश सी, मेरे पति भी बहुत खुश सी भी साढ़े घर चलो पुत्रां दी दात बख्शी है सतगुरु ने। ते पर कहिंदे कदे कदे मेरी सस ने कह देना कि चलो भाई, ये पुत्र जो पुत्रां दी दात मिली है ना, ये साढ़े चंगे कर्मां दे करके ही मिली है। असी परमात्मा दा नाम सारे ही लैने हाँ, गुरुद्वारा साहिब जाने हाँ, बाणी दा जाप करते हाँ, असी मतलब भी अपने ते लै लेना करना भी, असी बहुत पूजा पाठ करते, असी बहुत चंगे हाँ। मतलब कहिंदे उह भैण कहिंदे चलो कोई गल नहीं, किसी दे भी पैरां पिछे मिली पर मैनू पुत्रां दी दात मिली है, मैं बहुत खुश सी। कहिंदे है ना, ते कहिंदे कि असी प्रोग्राम रखिया सीगा घरे, भी चलो सवा महीने दे मेरे बेटे हो जाणगे, ते उस तो बाद
दो कु महीनों बाद असी कहिंदे कि प्रोग्राम करना सी लोहड़ी दा, ते असी बहुत खुश सी, कहिंदे असी पूरे इंतजाम किए, सारे रिश्तेदार सारे साग संबंधी बुलाए असी प्रोग्राम करन लई, घर दे विच बहुत वधिया सी, सारियां दा ही भी बहुत खुश सी भी हाँ घर विच पुत्तर आए ने, सस सोहरा ननान सारे ही बहुत खुश सी। चलो लड्डू वंडने सी ते नाले जनवरी दा महीना सी ते लोहड़ी भी पौनी सी भी चलो पावांगे लोहड़ी, बहुत खुश सी। कहिंदे अचानक कहिंदे मेरे ना एक छोटी बेटी दी तबीयत खराब हो गई, साढ़े घर ना कहिंदे कि पड़ोस तो एक आंटी आए ते उन्होंने मतलब देखा, उस तो बाद कहिंदे कि मिलन आए सी, कहिंदे थोड़ी कु देर बाद ना मेरे बेटे दी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, कहिंदे उन्हूं फीवर हो गया, बुखार हो गया। कहिंदे कहिंदे कि चलो एक बेटा मेरा पालने च सीगा ते दूजा बेटा मेरा मतलब मम्मी नूं फड़ाया होया सी भी चलो गोदी चुकिया होया सी, ते वो अचानक वो आंटी उपर ही आ गई, कहिंदे बेटा ना बोतल ना दुध पी रहा सी, ते कहिंदे कि जदों वो आंटी आई ना उस तो बाद कहिंदे कि वो बेटे ने ना रोना शुरू करता, उस तो उन्होंने जान तो बाद कहिंदे उन्हां सामने उन्हें बोतल च दुध पीता, चलो नज़र हो जाती है पर कहिंदे वहम भी बहुत बढ़ जाते हैं जदों अपना कोई जदों अपने बच्चे कोई किसी के आने नाल रोंदा है जां कुछ होंदा है माँ बाप नूं बहुत दुख लगता है। कहिंदे कि उस तो बाद साढ़े छोटे ने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिता, चुप ही ना हो भी बड़ा उन्हें चुकीए भी, कहिंदे फिर असी सोचिया कि क्यों ना इनू डॉक्टर को लै जी, कहिंदे असी चलो मैं तो यहो जी हालत च नहीं सी कि बेटे मैं लैके जावा, कहिंदे मैं एक नू संभालना सी दूजे नू भी, कहिंदे फिर मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ भी वो मेरे मतलब बेटे नू डॉक्टर को लै गई, कहिंदे डॉक्टर ने चैक किया पेट च हल्की फुल्की दर्द सी, चलो उन्होंने मैडिसन देती, मैडिसन लैके कहिंदे फिर भी उसी मम्मी घर आ गई, कहिंदे भी फिर बेटे नू थोड़ा जिहा आराम रहना, उन्हें रोंदा ही रहना थोड़े चिर बाद फिर रोई जाना। कहिंदे वेखो घर दे विच साढ़े शहीद सिंघां दी सरूप लग्या है, शहीद सिंघां दा जल पिया है, जोत जगदी है, पर किसी ने दिमाग ना यही भी नहीं काम किया कि चलो बच्चे नू जोत चुकी हो लैके ला दिता जाए, की पता वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए। कहिंदे पर इन्ना किसी का दिमाग काम ना किया। कहिंदे फिर साड़ी भूआ जी आए तो कहिंदे कि असी मतलब इदां ही बैठे से गल्लां कर रहे सी कि फलानी आई सी ते इदां हो गया, चलो असी किसी नूं बुरा नहीं कहिंदे भी इदां उन्हां दे करके होया है, कि पता नहीं बच्चे नूं वैसे ही नज़र जी हो जाती, चलो अपनी हो सकती है किसी की भी हो सकती है, बच्चा जदों हसदा है सोहना लगता है, हर एक माँ बाप नूं सोहना लगता है, तो जो कोई दूसरा भी देखता है उन्होंने भी सोहना लगता है, चलो हो जाता है। असं यही नहीं कहते कि किसी को बुरा कहो कि किसी ने इदा भी नज़र बारे कहते कि इदा, चलो नहीं असं सोचा, पर कहते साढ़े भूआ जी आए वो कहते बच्चा रोई जा रहा है, कहते दवाई दी उन्होंने पेट थोड़ा जहा हल्का फुल्का मलिया भी जिदा मतलब चलो बच्चे पुट्ठा करके पाते हैं, कहते टोटके जो एवें की चलो बच्चा थोड़ा जहा रिलैक्स जहा फील कर लग गया। कहिंदे भूआ जी स्नान करके पाठ करके आए सी ते भूआ जी ने फिर कहिंदे कि जोत चुके वो लैके ते बच्चे दे शरीर ते मिलिया, कहिंदे उस दिन तो बाद बच्चा ऐन ठीक हो गया, पहला इंज लगता सी बच्चे नूं किन्नी कु तकलीफ है, बच्चा बहुत हीरो ही जा रहा सी, नज़र जी टाइप हो गया सी कुछ, फिर कहिंदे कि चलो असी मतलब दोनों बच्चों नूं मतलब ठीक हो गया बच्चा साडा। देखो भी कई वेले ना आप सोचते हाँ भी सिर्फ डॉक्टर ही है जिसको बीमारी का इलाज है, घर में एडे महापुरखों दियाँ सरूप पे होंगे ने, शहीदी सरूप पे होंगे ने, जोत पी होंगी है, तो वह कई वेले घ्यो लाना भी चमत्कार हो जाता है, तो बच्चे की तरह बहुत छेती सौंदे हैं जब सच्चे होंदे हैं, उन्हां दी भी परमात्मा बहुत छेती सुनदे हैं। तुहानू भी जे कोई दुख तकलीफ होवे, जे तुसी शहीदां दी जोत जगाउंदे हो ना घरे, ते जे कदे किते भी थां ते दर्द हुंदा होवे ना, ओह शहीदी देग वाला घिओ थोड़ा जिहा तुसी उस अंग ते लगा लैणा, वेखना तुहानू किन्ना फर्क पवेगा। पर हाँ
एक गल है कि वह जिहड़ा शहीदी देग वाला घिओ तुसी शहीदां दे गुरद्वारा साहिब चों जोत चों लैके आए होवो, थोड़ा जिहा ज़्यादा नहीं भी थोड़ा जिहा लैके आए होवो, उहदे विच होर घरे आ के थोड़ा जिहा मिक्स कर लो, वह फिर उस तरह हो जाती है कि साढ़े गुरु की उहदे विच शक्ति आ जाती है। जिवें तो जो स्वरूप अगे घ्यो पिया रहिंदा है तो परमात्मा दे कोल जिहड़ी चीज़ रहिंदी है वह भी पवित्र हो जाती है। परमात्मा दे नेड़े रहण वाला हर रुख हर बीज पवित्र हो जाता है, क्योंकि परमात्मा तो सब दी सुनदे हन, सब जानी जान हन। तो बच्चे का कहिंदे वहम सी सानू भी किसी ने कुछ करता या कोई नज़र लग गई है, तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर भैन कहिंदे साढ़े घर अगले दिन तो प्रोग्राम सी, तो कहिंदे कि चलो प्रोग्राम की भी गल हुई, तो कहिंदे कि हुण मतलब घर च काफ़ी ज़्यादा प्रौहणे आए, कहिंदे असी चलो पाठ भी करवाया घर। तो धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के स्वरूप अगे जोत जगाई, तो देग बनवाई असी बच्चों के नाम दी कि चलो बच्चों की तंदुरुस्ती रहे परमात्मा। तो कहिंदे फिर हुण असी ये सुखना लाउण गुरुद्वारा साहिब भी जाना सी, हरिमंदर साहिब असी जाना सी। थोड़े दिनों बाद कहिंदे कि मेरे ना पति की अचानक तबीयत खराब होने लग गई, कहिंदे भी मैं बहुत ही टेंशन जा गई भी परमात्मा ये की हो रहा है कि कभी कुछ तो कभी कुछ हो ही जा रहा है। कहिंदे कि वह भी बहुत ज़्यादा बीमार रहन लग पे साढ़े मेरे पति, तो कहिंदे कि फिर ना कहिंदे मैं ना वाहिगुरू अगे अरदास की कि वाहिगुरू जे कोई भुल चुक हुई हो माफ़ करना, पर ऐदा वाहिगुरू एक तो बाद एक मुसीबत ना आन पवे। जो कहिंदे घर विच खुशियां दा माहौल आंदा है ना, जो एक तो बाद एक खुशी आई जावे तो लोगों की हाँ भी बहुत पै जाती है। इस करके गुरु अगे हमेशा ही अरदास करते रहना चाहिए है कि सच्चे पातशाह तंदुरुस्ती बख्शी, सच्चे पातशाह सब का ध्यान रखी, सच्चे पातशाह किसी नूं भी कोई दुख बीमारी ना होवे। ते इदां कहिंदे वाहिगुरू अगे हमेशा ही अरदास बेनतियां करते रहना चाहिए है। जे तुसीं वाहिगुरू अगे अरदास बेनतियां करते रहोगे ना तो वाहिगुरू नूं होएगा कि मेरा बच्चा मैनूं कदी भुलिया नहीं है, उन्हां तुहाडी कीती हुई अरदास वाहिगुरू तक जरूर पहुँचती है। तो कहिंदे फिर ना थोड़े कु दिनों बाद कहिंदे असी ना मेरे हसबेंड तो जान की हालत च नहीं सी क्योंकि वह बीमार सी, कहिंदे मैं ते मेरी मम्मी असी दोनों बच्चों लैके शहीद सिंह के गुरद्वारा साहिब गए। कहिंदे असी उत्थे जाके ना गुरद्वारा साहिब च टाला साहिब कहिंदे असी उत्थे शहीदी देख करवाई कि वाहिगुरु जी साढ़े घर ते आने वाली हर रुकावट मुश्किल बीमारी नू दूर करना। कहिंदे असी उत्थे जाके अरदास करा के आए, अरदास च कहिंदे सानू मतलब टाइम तो नहीं मिले उत्थे अरदास करा दा, पर असी अपनी लिखी हुई एक पेज से सारी लिख के ना चिट रसद दे नाल उत्थे रख आए, क्योंकि गुरु साहिब आपे जाने जाने भी किस कारण वह बच्चे इत्थे आए हैं। गुरु जी सब जानी जानने, जो आप अखा बंद करके हाथ जोड़ के गुरु अगे वंदना करते हैं ना, गुरु अगे असी अरदास करते हाँ, गुरु जरूर साड़ी वह अरदास सुनते हैं, तो बहुत छेती ही सुनते हैं। इस करके कहिंदे फिर असी घरे आ गए, घरे आ के कहिंदे असी चलो मम्मी ने चुपहरा साहिब करन दी गल सोची कि चुपहरा साहिब करिया करिए, कहिंदे वाहिगुरू की कृपा नाल साढ़े दो पुत्र बिल्कुल ठीक सी, ते हुण थोड़ा चिर हो गया सी हुण मेरे हसबेंड भी ठीक होण लग पे। तो कहिंदे कि फिर असी हुण सोचा कि असी चुपहरा साहिब करिया करिए, शहीदी सिंघां दी जोत जगाया करिए। कहिंदे हुण सब कुछ ही ठीक है, असी शहीद सिंघां दी जोत जगाने हाँ। कहिंदे जदों जोत दे विच असी घ्यो पाने हाँ असी यही अरदास करीदा है परमात्मा दुखां रोगां कलेशां बीमारियां नूं दूर करना वाहिगुरू जी। कहिंदे कि जिवें जिवें जोत च असी घ्यो पाई जाना करना, हर रोज़ बेनती दुआ अरदास करके साढ़े घर दे विचों कला कलेश दूर होण लग पे, दूर होण लग पईआं सब बीमारियां। कहिंदे भी इन्नी करामात वाले ने साढ़े बाबा दीप सिंह जी खालसा जी, निक्की निक्की फुल वर्गी दुख जरूर जरूर जिंदगी चाहुंदा है, पर वड्डा कदे दुख उन्होंने झोली नहीं पाया, उन्होंने हमेशा खुशियां ही साड़ी झोली पाइया ने। धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी।
बहुत ही दयावान हन। इन्हां दे हथ कलम है साडे करम लिखण दी। वाहिगुरु जी सब दे करम वधिया लिखणा, सब दे बच्चे तरक्कियां च होण, तंदुरुस्त होण, किसी भी बच्चे नूं कोई नशा भैड़ा ऐब ना लगे। वाहिगुरु जी यही अरदास करदे हाँ। ते वीडियो के अंत में यह जरूर कहांगे कि खालसा जी तुसी साडी ये हड्डबीती सुनते हो, तो कमेंट विच वाहिगुरु जरूर लिखा करो, तो साडे चैनल नूं वध तो वध शेयर ते सबसक्राइब करिया करो, ता कि असी तुहाडे नाल होर हड्डबीतियां सांझियां कर सकीए। जे कोई तुहाडी अपनी हड्डबीती है तो वह भी तुसी साडे नाल सांझी कर सकते हो। वाहिगुरु जी कमेंट विच तुसी लिख के भेज देना, खालसा जी असी वह सांझी जरूर कर देवांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।